हेलो बच्चों, ए बाई क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पहले तो आपको ये बता दें कि नई साल शुरू हो गई है 2023। तो नई साल के लिए मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल जो है आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे और आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसमें सफल हो, मेरी यही दुआ रहेगी आपके लिए। तो नई साल के लिए तो कुछ आपसे बात भी कर लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमारे हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्यों ना हो या कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, हमें क्या करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर किसी की चीज़ सक्सेस के लिए होती है तो वो होती है कंटिन्यू रिवीजन। हमें कंटिन्यू रिवीजन करते रहना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, करते क्या है कि जब एग्ज़ाम आ जाता है तब हम ढेर सारा इकट्ठा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि जब एग्ज़ाम आने की का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा लगातार कछुए की तरह काम करते रहना चाहिए, धीरे धीरे काम करते रहें जिससे कि आप अपडेट रहें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अपडेट रहना। अगर कोई व्यक्ति अपडेट रहता है तो उसको कभी कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो नई साल में सबसे अच्छा यही करें कि आप अपडेट रहें। अपडेट रहने से क्या होगा कि आप जब अपडेट रहेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी, और कोई भी परीक्षा कभी भी आए, कभी भी एग्जाम हो, आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। तो अगर सफलता पानी है तो रेगुलर क्या है कि ऐसा नहीं करें कि हमने आज मैथ पढ़ ली, कल इंग्लिश पढ़ लेंगे, परसों हिंदी पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर डे हमें हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, और हम पर डे हर सब्जेक्ट को अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं आएगी। तो आशा करते हैं आप लोग कायदे से कंटिन्यू और हर सब्जेक्ट का बराबर रिवीजन करते रहेंगे। तो चलिए आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं, शुरू करते हैं। तो हमारा ये टॉपिक है वर्ब। इससे पहले आपको आपने जो भी पढ़ा है वो आपका वर्ब का आपने टॉपिक पढ़ा होगा, जिसमें हमने आपको वर्ब के बारे में बताया था कि वर्ब क्या होती है, टाइप्स ऑफ वर्ब क्या होती है। उसी उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो था हमारा, उसके बाद वो हमारा था मॉडल वर्ब का। तो उसी का आगे एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट्स, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक। ये ऐसा टॉपिक है इसमें से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या है कि एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट्स, यानी किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब हमारी आनी है। अब सब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट दो ही होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो पहले हम लोग सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बात करते हैं, यानी वर्ब आपकी उनको दो कैटेगरी में बांट देते हैं, वर्ब को दो कैटेगरी में बांट देते हैं। और वो कैटेगरी आपकी क्या आएंगी, एक तो सिंगुलर वर्ब और एक प्लूरल वर्ब, इनमें बांट देते हैं इनको। सिंगुलर वर्ब में क्या होगा, सिंगुलर वर्ब वो वर्ब होती है जो आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है, यानी कि एक वचन कर्ता के साथ आती है, जैसे ही, शी, इट, या किसी पर्सन का नाम हो तो उसके साथ जो आता है वो सिंगुलर वर्ब होती है। तो सिंगुलर वर्ब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, सिंगुलर वर्ब के साथ इज आता है। क्या आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो उसके साथ इज, इज हमारी क्या है, सिंगुलर वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है। उसके बाद अगर वर्ब में सिंगुलर वर्ब हमारी कौन सी होती है, वर्ब में ईएस जिसमें जुड़ा होता है, वर्ब में ईएस जुड़ा होता है वो भी हमारी सिंगुलर वर्ब होती है। उसके बाद हैज,
अगर कहीं पर हैज लगा है तो हमेशा आपने देखा होगा कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हैज का प्रयोग किया जाता है, इज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जब परफेक्ट वो सॉरी पास्ट की बात करते हैं तो उसमें वॉच का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब पास्ट में जब पास्ट इंडेफिनिट की बात आती है वहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, वहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं होता है। तो सिंगुलर वर्ब सबसे महत्व रखती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यस यस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। प्लूरल वर्ब क्या होती है, यानी कि ये सब किसके साथ यूज होती हैं, ही है, सी है, इट है, या सिंगुलर कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी का भी नाम दिए। उसके बाद प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब वो होती हैं जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी कि आई है, वी है, यू है, दे है, और प्लूरल नाउन के साथ जो यूज की जाती हैं, तो वो आपकी प्लूरल वर्ब होती हैं। जैसे आपने देखा हो आर है, उसके बाद हैव है, उसके बाद वर है, ठीक है, और उसके बाद सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है प्लूरल वर्ब होती है। तो ये तो हो गया आपका प्लूरल वर्ब के बारे में जानना। अब हम लोग जैसे हमने यहां पर एक सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है, रुद्र एंड पार्थ प्लेज क्रिकेट विद देयर फ्रेंड्स। तो हमें ये पता करना है, पहले तो आप लोग सोचिए कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। रुद्र एंड पार्थ प्लेज क्रिकेट विद देयर फ्रेंड्स, तो देखिए सोचिए ये सही है या गलत है। ये सेंटेंस आपका गलत है। इसमें वर्ब जो यूज की गई है, सबसे पहले हम वर्ब पे जाएंगे, वर्ब कौन सी यूज की गई है, यहां पर देखिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, जबकि दो लोग जुड़े हुए, यहाँ पर कितने लोग हैं, दो लोग हैं, रुद्र है और पार्थ, तो दो लोग हुए यानी कि प्लूरल हो गए। यहाँ पर नाउन आपको सिंगुलर दे रखी है लेकिन दो लोग हैं, तो इसका रूल होता है, रूल क्या है आपका वो भी हम बता देंगे कि अगर दो सिंगुलर नाउन, लिख लीजिएगा इनको, यदि दो सिंगुलर नाउन, क्या रूल क्या है, सिंगुलर नाउन, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं, इस तरह से एंड से अगर जुड़े हैं दो सिंगुलर नाउन इस तरह दिए गए हैं, यानी कि एंड से पहले भी सिंगुलर नाउन है, एंड के बाद भी सिंगुलर नाउन है, दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़े हैं तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, यानी कि प्लूरल वर्ब, क्या आएगी, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यहां पर किसका यूज किया जाएगा, हमेशा प्लूरल वर्ब। तो लिख लीजिएगा, अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो वहां पर कौन सा वर्ब आएगा, हमेशा प्लूरल वर्ब। तो यहां पर गलती क्या है, यहां पर क्या होना चाहिए, प्ले होना चाहिए प्लूरल वर्ब, क्योंकि दो लोग हो गए, यहां पर देखिए रुद्र और पार्थ दो लोग हो गए, तो जहां पर दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़े हुए हैं तो हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज कीजिए, कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं आ सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए ये सेंटेंस लिखा है, टाइम एंड टाइप वेट्स फॉर नन। ये देखो कहावत भी होती है, तो टाइम एंड टाइप, अब ये कहावत भी होती, तो यहां पर भी देखो दो नाउन, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हुई है, तो यहां पर जो आपका वर्ब आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, तो यहां पर वेट होना चाहिए, टाइम एंड टाइप वेट फॉर नन। तो ये आपका हो गया, यानी कि अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी है तो उनके साथ वर्ब कौन सी आएगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पर देखिए बिल्कुल इसी तरह का, जैसे ये भी कहावत होती है, ये भी कहावत है, स्लो एंड स्टीडी विन द रेस। फिर नीचे एक सेंटेंस लिखा, बटर एंड ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट फूड। तो देखिए दो सिंगुलर नाउन है यहां पर एंड से जुड़ी है, और हमारा रूल क्या था, दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़ी हैं तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल हो जाता है, दो हो, अगर यहाँ पर दो हो गई तो प्लूरल हो जाता, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो ये रूल काम करता है लेकिन यहाँ पर इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। वो अपवाद क्या है उसको भी कायदे से लिख लीजिएगा, अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हैं और उनका जो उसमें भाव जो निकल रहा है, एक निकल रहा है, या उनका जो उद्देश्य है
वो एक ही है, तो ऐसी कंडीशन में हम अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हैं तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। यहां किसका यूज होगा? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इसी कंडीशन में सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे यहां पर देखिए, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। अब स्लो धीरे, अभी जो बात कर रहे थे कि हमें हमेशा कछुए की तरह काम करते रहना चाहिए, ये कछुए वाली कहानी आपने सुनी होगी, धीरे लेकिन निरंतर अगर कार्य करते हैं तो रेस जीत जाते हैं। तो यहां पर क्या होगा? विन द नहीं होगा, विंस द रेस होगा। ऐसे ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट फूड। अब देखिए, ब्रेड और बटर दो तो हैं, दो नाउन तो हैं, दोनों ही नाउन अलग अलग हैं, लेकिन नहीं, दोनों का ही यूज एक फूड यानी कि एक ही भोजन बनाने के लिए किया जाता है। दोनों को मिलाकर एक फूड तैयार होता है। तो देखिए, ब्रेड और बटर दोनों को ब्रेड के ऊपर बटर लगा के खाया जाता है कि नहीं खाया जाता? तो वो एक ही तो हो जाते हैं, भोजन तो एक ही है, फूड का जो डिश है वो एक ही तो है। ऐसे ही हम कहें करी एंड राइस। अब देखो, करी और राइस दोनों मिला के एक ही तो भोजन तैयार हो रहा है। पूरी उस डिश का नाम क्या है? करी एंड राइस। इसको कड़ी चावल भी बोलते हैं हम लोग। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में अगर उनका भाव एक ही है तो ऐसी कंडीशन में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहां पर देखिए, ब्रेड एंड बटर है, एक ही भोजन है, तो यहां पर आर नहीं आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? इज। तो क्या हो जाएगा? ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट फूड। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइएगा इनको, नोट करते जाइएगा। तो अगर कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, नोट करते जरूर जाइएगा। उसके बाद इसी में आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, देखिए नीचे, द मैनेजर एंड द अकाउंटेंट इज बिजी इन द ऑफिस। अब देखिए, द मैनेजर एंड द अकाउंटेंट इज बिजी इन द ऑफिस। मैनेजर और अकाउंटेंट ऑफिस में बिजी है। अब यहां पर देखिए, दो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर दो नाउन है, तो रूल है आपका कि दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़ी हैं तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, यही रूल है। लेकिन इसमें एक और रूल है, अगर इस तरह से दिया गया है तो इसमें एक रूल और फॉलो करेगा कि ये नोट कर लीजिएगा, अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हैं और दोनों से पहले अगर आर्टिकल लगा, देखिए यहां पर भी द लगा, यहां पर भी द लगा है, आर्टिकल देखिए, दोनों से पहले आर्टिकल लगा, अगर दोनों से पहले अगर आर्टिकल लगा तो प्लूरल वर्ब का, यानी कि दोनों से पहले अगर आर्टिकल है तो वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल, यानी कि यहां पर क्या आएगी? आर आएगी, यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। और अगर दोनों से पहले अगर आर्टिकल का यूज नहीं होता, जैसे यहां पर लिखा होता द मैनेजर एंड अकाउंटेंट, तो इज होता है यहां पर, इज बिजी। अब देखिए, द मैनेजर एंड अकाउंटेंट इज बिजी, होता क्या है यहां पर, ऐसा क्यों है? पहले तो रूल है आपका, रूल क्या है? रूल कहता है कि अगर दोनों से पहले अगर आर्टिकल लगा है तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, रूल तो ये कहता है। लेकिन और भी समझने वाली चीज है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर दोनों से पहले अगर आर्टिकल लगा है तो उसका मतलब ये हो जाता है कि वो दो व्यक्ति हैं, मैनेजर अलग व्यक्ति है और अकाउंटेंट अलग व्यक्ति है। और अगर पहले वाले से पहले आर्टिकल लगा है और दूसरे में आर्टिकल नहीं लगा है तो इसका मतलब है वो एक ही व्यक्ति है, मैनेजर, और जो मैनेजर है वही आपका क्या है? अकाउंटेंट है। एक ही व्यक्ति दो कार्य कर रहा है, दो पदों पर है, और मैनेजर अकाउंटेंट एक ही व्यक्ति है। और जब इसका मतलब है एक ही व्यक्ति, अगर सिर्फ पहले वाले से पहले आर्टिकल लगा है, दूसरे वाले में आर्टिकल नहीं लगा है, तो उसका मतलब वो एक ही व्यक्ति है। और जब एक ही व्यक्ति है तो सिंगुलर वर्ब, सीधी सी बात है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, प्लूरल वर्ब यूज नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द मैनेजर एंड अकाउंटेंट इज बिजी। देखिए, इसमें और कुछ नहीं है, मेन है आपको इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है, सिर्फ हमें ये देखना है कि सेंस क्या कह रहा है, अर्थ क्या कह रहा है,
सेंटेंस का जो सेंस है, जो अर्थ है, वो क्या कह रहा है, बस हमें इस पे ध्यान देना है। और सेंटेंस के अर्थ और सेंस पे अगर हमने ध्यान दे लिया तो फिर कोई समस्या नहीं होती है। कि अगर हमने अर्थ को अच्छी तरह समझ लिया, सेंटेंस के अर्थ को अगर अच्छी तरह समझ लिया तो हम उसके सत्य, और दूसरी चीज़ और एक चीज़ होती है, इसका हिंदी में अर्थ निकालना, ग्रामर में को हिंदी से जोड़ना अति आवश्यक है। अगर आप ग्रामर को हिंदी से नहीं जोड़ेंगे तो समस्याएं खड़ी होंगी। अगर हम हिंदी में उनका अर्थ अच्छी तरह से निकाल लेते हैं तो हम ग्रामर में वर्ब का यूज बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे देखिए अगला जो हमारा सेंटेंस है, एक सेंटेंस लिखा है, देखिए यहाँ पर ईच ऑफ द बॉयज, ये सेंटेंस पढ़िए, लिखा है हमारा ईच ऑफ द बॉयज रिस्पेक्ट हिम, ईच ऑफ द बॉयज, चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर यहां पर लिख देते हैं दोबारा इसको, यहां पर लिख देते हैं बड़ा बड़ा सा, ईच ऑफ द बॉयज रिस्पेक्ट हिम। अब देखिए यहां से हमें दिख रहा है प्लूरल है, यहां से हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि प्लूरल है, और प्लूरल के साथ वर्ब भी देखिए प्लूरल लगी है, ऐसे आई एस तो लगा नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ऐसे आई एस तो लगा नहीं, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन नहीं, कभी कभार क्या होता है कि जो दिखाई दे रहा होता है वो जरूरी नहीं कि सही हो, ये कहते हैं जरूरी नहीं कि जो सामने ग्रामर में सामने जो दिख रहा है वो लगेगा तो आपको ऐसा कि हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो जो सामने आपको दिख रहा है वो बिल्कुल सही हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि जो सामने दिख रहा हो वो बिल्कुल सही हो। तो इसीलिए हमने कहा कि आप उसके अर्थ पर ज्यादा ध्यान दें। इसका मतलब क्या, ईच ऑफ द बॉयज रिस्पेक्ट हिम, लड़कों में से प्रत्येक उसका सम्मान करता है। अब लड़कों में से प्रत्येक, अब वर्ब का प्रयोग हम किसके अनुसार करते हैं बताइए, वर्ब का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या बन रहा है, प्रत्येक बन रहा है, लड़के नहीं बन रहे हैं, लड़कों में से प्रत्येक सम्मान करता है। तो देखिए हिंदी में हमने अर्थ निकाला, करते हैं तो प्लूरल होता, लेकिन क्या अर्थ निकला, करता है, तो इसका मतलब सिंगुलर हो गया कि नहीं हो गया। अगर हम हिंदी में अर्थ सही निकाल लेंगे तो अपने आप हमें समझ में आ जाएगा कि ये सिंगुलर है तो प्लूरल है। ये तो बात होगी अर्थ निकालने, लेकिन एक बात और बता दें आपको, कहीं पर भी अगर ये आपको दिख जाए ये शब्द ईच एवरी एदर नेदर, ये चार शब्द अगर कहीं पर दिख जाए आपको, कहीं पर भी दिख जाए वर्ब से पहले, अगर ये चार शब्द आपको कहीं भी वर्ब से पहले दिखाई दे जाए तो ऑलवेज सिंगुलर वर्ब, हमेशा आप सिंगुलर वर्ब का यूज करिए, हमेशा बिना कुछ सोचे समझे, कुछ ध्यान ही नहीं देना क्या है अर्थ क्या अर्थ नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देना, आप सिर्फ ये देखना कि ये शब्द अगर आपके वर्ब से पहले लगे हुए हैं तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करिए, कुछ ध्यान नहीं देना है, कोई मतलब नहीं है कि क्या अर्थ निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है। तो देखिए यहाँ पर ईच लगा हुआ है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा रिस्पेक्ट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट्स हम हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब जब होगी तो ऐसे होता है। अब देखिए इसके बाद जो आपको बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, दो सेंटेंस और बताएंगे आपको, और यहां से एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक आपका हर जगह पर, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे आपका टेट हो, सीटेट हो, केवीएस हो, अभी केवीएस पीआरटी के एग्जाम आने वाले हैं, और सीटेट अभी चल भी रहा है। तो देखिए दो सेंटेंस हम यहाँ पर लिख रहे हैं आपके सामने,
यू एज वेल एज आई एम विजी। दूसरा सेंटेंस लिख रहे हैं नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स इज बिजी। देखिए दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, इनको पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, एज वेल एज और आइदर, आइदर नाइदर। तो आपका क्या लिखा हुआ है, यू एज वेल एज आई एम बिजी, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स इज बिजी। तो पहला सेंटेंस देखो, पढ़िए, पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सही सेंटेंस है, यू एज वेल एज आई एम, आई के बाद एम आता, बिल्कुल सही है। देखने में देखिए बिल्कुल सही लग रहा है कि यू एज वेल एज आई एम बिजी, तुम्हारे साथ साथ मैं भी व्यस्त हूं। लेकिन नहीं, ग्रामेटिकल ये गलत है, ग्रामर के रूप में ये गलत है। तो इसके लिए आपको एक रूल ध्यान रखना पड़ेगा। वो रूल क्या है कि अगर एज वेल एज से, एज वेल एज दिया गया है इस तरह से, ये दिया गया है, इससे पहले सिंगुलर नाउन है मान लीजिए, और इसके बाद सिंगुलर नाउन है, ठीक है, तो आपकी जो वर्ब आएगी वो आपकी आएगी सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन एज वेल एज दिया गया है, ठीक है, और मान लीजिए यहां पर सिंगुलर है, यहां पर प्लूरल है, या हो सकता है, सीधी बात ध्यान रखिए, अलग अलग, यानी कि जो यहां पर जो भी सब्जेक्ट लगे हो, यहां पर नाउन जो भी है, नाउन या प्रोनाउन दोनों में से कोई भी हो सकता है, वो अलग अलग हो, क्या हो, नाउन या प्रोनाउन अलग अलग अगर है, यहां पर अलग है वहां पर अलग है, यानी अलग अलग से मतलब है कि एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन, कुछ भी हो सकता है, नाउन भी हो सकती है प्रोनाउन है। तो आपकी जो वर्ब आएगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, वर्ब काय के अनुसार आएगी, इसके अनुसार आएगी, जो पहले दिया गया हो, जो पहले सब्जेक्ट दिया गया हो उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। जैसे यहां पर आ जाइए, अगर दोनों सिंगुलर दे रखे हैं, जैसे राम एज वेल एज श्याम, इस तरह दे रखा है, मान लीजिए दिया गया है राम एज वेल एज श्याम, तो क्या होगा, इज बिजी, क्योंकि सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा क्योंकि दोनों सिंगुलर है। लेकिन यहीं पर अगर ये देखिए, यहां पर दोनों अलग अलग नाउन है प्रोनाउन है, तो अलग अलग नाउन या प्रोनाउन दे रखा है, तो हमें वर्ब का यूज जो करना है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार करना है, यानी कि जो पहले नाउन या प्रोनाउन जो भी दे रखा हो, यहाँ पर जो भी दे रखा, चाहे वो सिंगुलर हो तो सिंगुलर, प्लूरल हो तो प्लूरल, जो भी हो, तो यहाँ के अनुसार करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर, देखिए अब गलत लग रहा है, यू एच वेल एच आई आर पी जी, तो अब लग रहा है देखने में बिल्कुल गलत है, पहले सही लग रहा था, अब जब सही है तब ये गलत लग रहा है, और जब सही था तब गलत था तब सही लग रहा था। तो ये देखिए, ये रूल ध्यान रखिए कि जब भी ये दिया गया अलग अलग नाउन या प्रोनाउन हो, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार जो भी नाउन या प्रोनाउन दे रखा है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब यही जब आइदर नाइदर लगाओ, तो आइदर नाइदर यहां पर, आइदर या आइदर नाइदर यहां पर भी अगर दिया गया, दोनों के अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब भी आएगी, आइदर नाइदर दिया गया उसी जैसे एज वेल एज है, तो दोनों तरफ अगर दोनों उससे दोनों सिंगुलर नाउन जुड़े हुए हैं तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग नाउन या प्रोनाउन दिए गए हैं तो वर्ब का प्रयोग बाद वाले जो बिल्कुल निकटतम होगा, रूल ये होता है कि निकटतम जो होगा
आइदर या नाइदर से जो अलग अलग नाउन या प्रोनाउन जुड़े हुए हैं, तो जो निकटतम होगा, जो सबसे पास होगा, उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स, तो क्या होगा, आर, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स आर बिजी। तो देखिए यहाँ पर आइदर लगाए तो दूसरे वाले बिल्कुल निकटतम ऑब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट के अनुसार निकटतम जो नाउन या प्रोनाउन हो उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये आज का टॉपिक था एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट, अभी पूरा नहीं खत्म हुआ, तो इसके आपको पार्ट बना के हम आपके वीडियो आपके सामने देंगे आपको, क्योंकि अगर एक साथ ही पूरा खत्म कर दिया, एक ही साथ अगर आपको बता दिया तो फिर जो है पूरी अच्छी तरह से नहीं समझ में आए, तो छोटे छोटे पार्ट बना के। तो आज ये हमारा इसमें कुछ हमने पॉइंट्स आपको आज दिए हैं, उनको नोट भी कर लीजिएगा, और अगला पार्ट इसके बाद आपको इसका सेकंड पार्ट मिलेगा। तो देखिएगा अभी तक अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद।